यहां उन्वान क्या है, यहां नेकी की हकीकत उन्वान है, उसकी रूह ईमान है और उसका जाहिर उसमें सबसे पहले इंसानी हमदर्दी, और उस हमदर्दी की बिना पर वो माल जो बहुत महबूब है खर्च करना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां, अगर यह नहीं है तो कुछ नहीं। हुज़ूर ने फरमाया मैं यो है रिफ्ता फकद हुबल खैरा कुल्लहू, जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और जैसा कि आपने इसका टॉपिक पढ़ा है और आपको समझ आ गई होगी कि इस वीडियो में डॉक्टर साहब ने क्या बयान किया है, तो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की नई वीडियो। कुल के कुल खैर से महरूम हो गए, किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका कोई मदावा कर सको और ना करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं हो, तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस, नेक नहीं हो सकते। मैं युहरम रिफ, रिफ कहते नरमी, रफीक हमारा साथी, दमसाज, जाहिर बात है आपको दुख होगा, आपके रफीक जो है उसके अपने दिल में महसूस करेगा आपके दर्द को। हम दर्द किसे कहते हैं, हम दर्द, इनका दर्द मुश्तरक है। हम आसर एक जमाने के लोग, हम जमात एक जमात में पढ़ने वाले, हम दर्द, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारी जिगर में है। अगर ये रिश्त नहीं है, अगर ये हमदर्दी नहीं है, अगर किसी को दुख में देखकर आप तड़प नहीं उठते, अगर उसकी मदद करने पर कादिर हो और नहीं करते, तो कुल खैर से महरूम है। पढ़े जाओ नमाजें और तहज्जुदें, कुछ हासिल नहीं होगा। इस पर जो आखिरी आयत कुरान की है, लन तनालु अल-बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, इससे ज्यादा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट और क्या चाहिए। लन के साथ जो नफी होती है फेले मुजारे में, इंतहाई मौकद, हरगिज नहीं पहुंच सकते नेकी के मकाम को जब तक के खर्च ना करो उनमें से जो चीजें तुम्हें पसंद है। कमीज फट गई है, बोसीदा दे दो किसी को, ये नहीं है खैरात सदका, बल्कि जो तुम्हें महबूब हो। लन तनालु अल-बिर्रा, बिर के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। फिर मैं कह रहा हूं, आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, इल्म का मामला है, मुहद्दिस हो सकते हो, मुफस्सिर हो सकते हो, फकीह हो सकते हो, मुफ्ती हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, कुरान मजीद की रूह से नेक नहीं कहला सकते हो। बात अल माल अला हुब्ब ही, अब इसमें जो तरतीब मैंने कहा था, अल अकरब फल अकरब, अल अकरब फल अकरब, सबसे पहले ज़विल क़ुरबा, और इसमें अक्सर व बेशतर हमसे कोताही होती, दूर दराज के लोगों के साथ नेकी हो रही है, सगे भाई की बेवा और यतीम बच्चे जो है वो महरूम हैं, इन्होंने इस वक्त ये कर दिया था, ये कर दिया था, जाहिर बात है कि रिश्तेदारों से तो शिकायतें होती हैं, ये तो हमेशा हमारे मुखालिफ रहे हैं जी, इनकी इनकी हम कैसे मदद करें। अगर तो अल्लाह के लिए देना है तो पहला हक उनका, मन अब्बा लिल्लाह है, वाबगदा लिल्लाह है, वाता लिल्लाह है, वमना लिल्लाह है, अल्लाह के लिए दिया है अगर तो अपने इस नफ्स के जो इंतकाम का जज्बा है उसको कुचलो, और जिसका सबसे पहला हक है उसको पहुंचाओ, हक बहकदार।